आज आपको काला पत्थर समुद्र तट लेकर चलेंगे। दिन के लगभग 3 बजे हैं, हम लोग परिवार के साथ वहां के लिए चला। अगर आप गर्मी में अंडमान घूमने का प्लान बना रहे हैं तो काला पत्थर बीच आपके लिए बेस्ट डेस्टिनेशन हो सकता है। सफ़ेद रेत वाले यह समुद्र तट सैलानियों को काफ़ी आकर्षित करता है। यहाँ समुद्र के किनारे मैनग्रोव के पौधे सुंदरता में 4 चांद लगाता है। लोग मैनग्रोव के पौधे पर चढ़कर फोटो खिंचवाते हैं। काला पत्थर समुद्र तट से आधा किलोमीटर पहले लोग ट्रैकिंग कर मुंडा पहाड़ बीच भी जाते हैं। रास्ता जंगल से होकर जाता है। नवयुवक ट्रैकिंग का मजा लेने के लिए यहाँ आते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से आग्रह है कि ऐसे वीडियो देखने के लिए अपने YouTube चैनल ट्रेवल एक्सपर्ट को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक में भी फॉलो कर लें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो का देखने का मौका मिल सके और इससे मेरा भी मोटिवेशन होगा। काला पत्थर बीच हैवलॉक द्वीप में एक छोटा लेकिन आकर्षक समुद्र तट है। समुद्र तट का नाम सीमावर्ती शहर से मिलता है जो काला पत्थर गांव है, और यहां समुद्र तट को सुशोभित करने वाली काली चट्टाने भी है। काला पत्थर बीच एक भव्य समुद्र तट है जो बंगाल की खाड़ी का शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है। यहां समुद्र के पानी के नीचे काले पत्थर की बड़ी बड़ी चट्टानों के कारण इसका नाम काला पत्थर बीच है। यहां जाने का रास्ता बहुत ही अच्छा है। यह हैवलॉक से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां के समुद्र का पानी काफ़ी साफ और किनारे पर सफ़ेद रेत बहुत सुंदर दृश्य पैदा करते हैं। काला पत्थर समुद्र तट पर लोग पानी में जाने से बचते हैं, कारण यहाँ का तट काफ़ी गहरा है। यहाँ लोग सूर्यास्त का रोमांचकारी दृश्य देखने के लिए भी आते हैं। यहाँ समुद्र के लहरों से टकराकर जो हवा निकलती है वो शरीर में झुनझुनी पैदा करती है जो काफ़ी सुखद होता है। यह एक सुनसान समुद्र तट है, यहाँ भीड़ नहीं के बराबर रहता है, जिसके कारण रोमांटिक जोड़े के लिए यह बीच बहुत ही अच्छा है। वे सैर का आनंद ले सकते हैं और परिवार के साथ कुछ पल आराम से बिता सकते हैं। यह समुद्र तट सीवाक के साथ साथ नारियल पेड़ की सुंदरता के लिए भी प्रसिद्ध है। अब काला पत्थर बीच पहुँचे कैसे? दोस्तों, काला पत्थर समुद्र तट हैवलॉक से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। हैवलॉक जेट्टी से वाहन या साइकिल किराए पर लेकर आप काला पत्थर बीच पहुँच सकते हैं। यहाँ आसानी से स्कूटर भाड़े पर घूमने के लिए मिल जाता है। काला पत्थर बीच तक पहुंचने में लगभग 30 मिनट लगते हैं। यहां आपको मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं के बराबर मिलेगी। यदि आप चाहें तो एक उपग्रह कनेक्शन ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको बहुत अधिक पैसा खर्च करना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं हम लोग अगले ब्लॉग में राधानगर बीच पर। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ब्लॉग देखना पसंद है तो कृपया अपने YouTube चैनल ट्रेवल एक्सपर्ट को सब्सक्राइब कर लें, बेल को प्रेस कर लें ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं राधानगर बीच में।